आई थिंक जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है इट्स बीन सो मच फन एंड आपको तो पता ही है बोथ द निगम ब्रदर्स आर इन द वीडियो एंड हमें ऐसा हमेशा से लगता था दैट वी रियली वॉन्ट टू डू लाइक अ कॉलेज सॉन्ग बिकॉज आई थिंक हमारे जितने भी फैंस और फॉलोअर्स हैं वो सब कॉलेज ही जाते हैं एंड यू नो वी वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी यंग समथिंग फन एंड गाने का नाम ऑब्वियसली मजनू है द एंटायर शूटिंग वॉज सो मच फन एंड यू नो टीज़र अभी आया है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से बहुत लोग एक्साइटेड हैं गाना बहुत ही मज़ेदार है आई थिंक यू नो हम बहुत टाइम से हमने कंपोज करके रखा हुआ है गाना बट फाइनली इट्स कमिंग एंड अभी तक हम सुनते हैं बहुत मज़ा आता है सुन के द रिस्पॉन्स हैज़ बिन ग्रेट जिसको भी हमने गाना अभी तक प्ले किया है एवरी वन हैज़ लव्ड इट सो कांट वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस एंड योर रिस्पॉन्स ऑल्सो आई थिंक 30th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर अस सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्लीज टेल अस एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक द सॉन्ग हम तो लैला हैं हम कैसे मजनू सकते हैं नहीं आई थिंक हम दोनों ही बहुत ही बड़े होपलेसली वाले रोमांटिक हैं सो वी बिलीव इन फुल पावर ट्रू लव एंड वो सब हमारी दिमाग में हमारे लिए कोई करण जौहर वाली मूवी चल रही है तो हम ऐसे ही मूड में रहते हैं इसलिए आई थॉट कि हम एक्चुअली सोच रहे थे कि कितने सारे लोगों ने कितने सारे गाने बनाए हैं लैला के ऊपर यू नो रानी के ऊपर ऑलवेज कॉलिंग लेडीज थिंग्स बट मतलब लड़कियों ने तो किसी को मजनू अभी तक बोला नहीं है सब एक्चुअली ज़्यादा गानों में बोलती नहीं है सिर्फ शायद बोलती है पर लिरिक्स में यू नो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है कभी कभी एंड एक्चुअली ये जो गाने की लिरिक्स है वैसा कुछ हमारी लाइफ में एक साथ कुछ पहले हो रहा था तो वी वर जस्ट लाइक यू नो ये जो फीलिंग है इसको गाने में डालने की कोशिश करते हैं एंड आई थिंक बिकॉज वो फीलिंग हम दोनों की एक साथ थी वी सैट टुगेदर वी वर जस्ट लाइक इसको हम यू नो उसका गाना बना सकते हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कनेक्ट करेंगी सब बहुत सारी सबकी लड़कियों में एक ना एक या दो तीन मजनू तो होते हैं ये करेक्ट आई थिंक लड़कियां ऑलरेडी कनेक्ट कर रही हैं आई थिंक यू नो इट्स गोना बी लाइक अ गर्ल एंथम एंड या जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप द गर्ल्स लव इट मोर देन द बॉयज सो पहले जैसे कि बताया हमारा पहले भी बहुत कुछ हो रहा था तो जरा कुछ अभी प्रकृति नहीं बनाए तो प्रकृति बताएंगी क्या नहीं ऐसा जैसे अभी मैं बता नहीं सकती ज़्यादा क्योंकि फिर पूरी गाने की स्टोरी बाहर निकल जाएगी बट जब आप गाना सुनोगे या आप जब लिरिक्स सुनोगे तो वो जो भी हो रहा है गाने में वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था सो वी जस्ट थॉट मज़ा आएगा कि अगर ये हम गाने में डालने की कोशिश करेंगे एंड बहुत ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने कहा लड़कियाँ कनेक्ट कर पाएंगी एंड लड़के भी कनेक्ट कर पाएंगे and yeah I hope people say this to me क्योंकि यही सोच के हमने गाना बनाया बिल्कुल दो लैला तो यहाँ पर हैं मजनू अभी यहाँ हमारे पास नहीं है but teaser में हमें देखा बताइए कि जरा कि कैसा रहा experience with मजनू के साथ वो अमेजिंग आई थिंक हमेशा हर म्यूज़िक वीडियो में यू नो वी ट्राई एंड फाइंड पीपल हु रियली यू नो फिट द सॉन्ग एंड जैसे कि यू नो वी आर सेइंग दैट दिस वाज सपोज टू बी अ कॉलेज सॉन्ग आई थिंक दे फिट दैट ब्रीफ सो वेल एंड बोथ आर सो हार्ड वर्किंग एंड सो अमेजिंग आई थिंक जब से हमने डांस रिहर्सल शुरू की थी वी जस्ट दे आर सो एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग दैट गेट्स अस ऑल्सो वेरी एक्साइटेड सो उनका मतलब यू नो जो भी आपके साथ स्टार कर रहा है वीडियो में उनका एंथुजियाज्म आपके एंथुजियाज्म से मैच करना चाहिए बहुत मैटर भी करता है क्योंकि यू नो जैसे हम दो हैं सिंगर्स हम यू नो वेर अ सिस्टर डुओ ऐसे बहुत सारे सिंगर्स लाइक डुओज नहीं है इंडिया में तो हम जो ट्राई करने की कोशिश करते हैं वी ऑलवेज ट्राई टू कास्ट टू बॉयज़ ऑल्सो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है इंडिया में यू नो लाइक इन अदर वीडियोस आल्सो देयर ऑलवेज बीन टू बॉयज़ बट दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एवर जहाँ पे देयर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सो आई थिंक उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है बिकॉज सिबलिंग्स टुगेदर कभी एक साथ एक वीडियो में आई नहीं है एंड हमारी जितने भी फैंस हैं वो भी एक साथ हैं यू नो लॉट ऑफ पीपल कॉल अस सुप्राटिक्स जो हम दोनों का नाम एक साथ है एंड आई थिंक दे ऑल्सो कॉल सिद्धार्थ एंड अभिषेक सिड शेख विच इज़ रियली कूल सो यू नो Instagram and social media pe there's a lot of like Supra and Sid Shake fans together so that is very exciting pehli baar I think brothers ek saath aaye hain video mein to and coming to Siddharth and Abhishek I think they are so hard working and unse actually bahut seekhne ko bhi mila hai kyunki hum actors nahi hai zyada but wo itni amazing acting karte hain ha to je hum sirf music video mein act kar sakte hain abhi ke liye so that's all we're doing एक्चुअली जब हम लोकेशन ढूंढ रहे थे वी वॉन्टेड ऑब्वियसली अ कॉलेज सेटअप यू नो आई थिंक द एंटायर ब्रीफ वॉज
समथिंग कि कुछ रिलेटेबल होना चाहिए बट ऑब्वियसली कॉलेज होना चाहिए. सो वी इन फैक्ट वेंट टू चंडीगढ़ एंड क्योंकि लॉकडाउन था थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी थी सो वी फाउंड दिस वंडरफुल प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़. एक्चुअली स्कूल है वो बट हमने कॉलेज बना दिया गाने में. एंड आई थिंक जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो यू नो देयर इज लाइब्रेरी शॉर्ट्स, देयर इज क्लासरूम शॉर्ट्स. तो फॉर अस ऑल्सो इट वॉज लाइक बैक टू स्कूल, हाउ मच वी मिस्ड इट. मतलब यू नो इवन वी हैव गॉट द ब्लैक बोर्ड्स एंड द बैक फील्ड एंड the campus, I think that full campus and life. गाड़ी भी मतलब हमने कॉलेज में खुद कभी गाड़ी नहीं चलाई है अभी तक नहीं चलाई अभी तक नहीं चलाई है but इस वीडियो में सुकृति also driving the car. So it's I think all the credit also goes to our fabulous director Sneha Shetty जिन्होंने बहुत ही amazing art setup and direction की है वीडियो में जो आप देखेंगे. So I mean yeah it's absolutely a team effort but बहुत मजा आया. Wow. So क्या मैं समझने कि आने वाले दिनों आई थिंक लास्ट फोर ईयर्स बोल रही हूँ बट हमारे जितने भी म्यूज़िक वीडियोज़ आए आई थिंक दो साल में जितने भी यू नो हमने करने की कोशिश की है बट नाउ फोर मंथ्स टू द एंड ऑफ द ईयर. सो आई थिंक जैसे यू नो सुकृति ने कहा कि लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे गाने बन चुके हैं, ऐसे बहुत सारे गाने रेडी हैं बट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वी कुड नॉट शूट इट. बट लास्ट फोर मंथ्स ऑफ द ईयर लेफ्ट सो बहुत सारा नया म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. And there will definitely be, 20, I think, 22. one more song. Yeah, I think one or two more songs. And then, gaane ready hain, bas shoot karna baaki hai. So we'll definitely do that. Next genre ka hoga, like aise romantic hoga. Yeah. Next wala thoda romantic. Nahin, actually, I think jab bhi koi dance song hota hai, we come together. Because I feel like hum dono saath mein karte, toh aur maza aata hai. But of course, I think this year we have a lot of amazing collaborations decided. So I will do some separate stuff, jo duets hote hain, and Prakriti will do hers. And then for the dance song, we'll come back again. And ek saath hum phir se collaborate karenge before the year ends. But bahut hi amazing music pipeline mein hai, for sure. But right now, it's all about Majnu, and it will be about Majnu for some time. ठीक है फैंस, हमने पहले से ही बातें की थी, एक दो वीक पहले ही बातें की थी, फैंस को पता चल गया था कुछ गाना आ रहा है आपकी वजह से. कुछ बताना चाहेंगे फैंस को, कुछ कहना चाहेंगे आप कि जो इतना अभी बहुत ही प्यार दे रहे हैं, ये गाने का बहुत ही वेट कर रहे थे. आई थिंक दे आर लिटरली द रीज़न वी आर ऑल्सो, आई मीन ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइटेड हैं बट उनकी एक्साइटमेंट तो मतलब कुछ और ही है. सो यू नो आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द सॉन्ग. आपके साथ हमने जब लास्ट इंटरव्यू किया था, एवरीबडी केम टू नो द नेम ऑफ द सॉन्ग. आई थिंक पोस्टर रिवील से पहले अगर जब गाने का नाम हर जगह होता है देन यू नो द एक्साइटमेंट इज रियल. सो आई थिंक फैंस दे ऑल मेड देयर ओन पोस्टर्स ऑल्सो बिफोर द पोस्टर केम आउट विद मजनू रिटन. देयर वर सो मेनी पोस्टर्स ऑफ फोर ऑफ अस टुगेदर. आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट से हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है एंड आई थिंक इस गाने में वो प्रूव हो रहा है. एंड जस्ट सुपर सुपर लकी एंड जस्ट वॉन्ट टू टेल यू नो एवरीबडी हु इज ट्यून्ड इन, जो भी सपोर्ट कर रहा है इस गाने को, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच. एंड दिस सपोर्ट मीन्स अ वर्ल्ड टू अस क्योंकि हम खुद का म्यूज़िक यू नो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस ईयर इज़ डेडिकेटेड टू दैट. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई थिंक बेसिकली जस्ट हैव फन. आई थिंक इट्स 3 मिनट्स, दैट्स व्हाट म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट. एंड इट्स अ डांस सॉन्ग, बहुत ही मज़ेदार गाना है. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड हियर द सॉन्ग फॉर 3 मिनट्स एंड हैव फन एंड या प्ले टू योर फ्रेंड्स. अच्छा एक्चुअली 30th को हमारा गाना रिलीज तो हो ही रहा है बट ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी सिंगिंग इट लाइव टू एन ऑडियंस एंड आई थिंक पहली बार सब लोग एक साथ सुनेंगे एंड वी आर ब्रेकिंग द सॉन्ग एट मिस डिवा. सो वी विल सी यू देयर एंड हम कुछ और भी अपने गाने एक साथ गाएंगे. इनफैक्ट हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद डुआ लिपा लेविटेटिंग का जो इंडियन रीमिक्स है वो भी पहली बार हम परफॉर्म करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग डे. कुछ एक दो प्रोजेक्ट का नाम आप लोग और ले सकते हैं प्रमोशन. आई थिंक या अभी तो मतलब अभी तो नेक्स्ट वाला रिलीज़ भी नहीं हुआ है. सो आई थिंक वील वेट अंटिल द 30th. जब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आपको 2-3 हिंट दे ही देंगे क्योंकि यू नो दे देंगे. इट्स ओके, इट्स गुड. क्योंकि मेंटली हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं बट जल्दी जल्दी सब कुछ रिलीज होगा. ये प्यार व्यार की बातें अब लगती हैं बेकार,
समझाऊं कितने बार क्यों तू मजनू बन के घूम रहा है पीछे पीछे यार, मेरा मजनू बन के घूम रहा है पीछे पीछे यार, क्यों तू मजनू ओ ओ ओ पीछे पीछे यार, मेरा मजनू ओ ओ समझाऊं कितनी बार। Thank you. Thank you. Thank you.